जी भाई, रमज़ान का महीना करीब है और अक्सर लोग सवाल करते हैं कि रमज़ान की तैयारी कैसे करें। तो रमज़ान की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें हम देखते हैं, सहाबा इकराम से देखते हैं कि उनके दौर में कैसे तैयारी होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना आने से पहले अपने आप को रमज़ान के लिए किस तरह तैयार किया करते थे इबादात के मामले के अंदर, तो मैं कुछ आपको बयान करता हूँ। देखिएगा, ख़वातीन के लिए रमज़ान की तैयारी में ये ज़रूरी है कि उन पर जो रोज़े पिछले साल रमज़ान के रह गए थे मखसूस अय्याम की वजह से, चूँकि उन पर उन रोज़ों की कज़ा फ़र्ज़ होती है, लाजिम होती है, लिहाजा शाबान के महीने में अगला रमज़ान आने से पहले पहले उसके कज़ा के रोज़े मुकम्मल कर लें। इसलिए कि अगर पिछले साल रमज़ान के रोज़े बाकी हों और अगला रमज़ान का महीना आ जाए, तो इसमें कई उलमा का इख्तलाफ रहा है कि अगले रमज़ान के रोज़े उनके होते ही नहीं हैं जब तक वो पिछले कज़ा ना कर लें। और एक मौकिफ़ उलमा का बहरहाल ये भी है कि अगले रमज़ान के रोज़े हो जाएंगे लेकिन वो गुनाहगार होगी और उस पर सदका करना भी वाजिब हो जाया करता है। तो कहने का मकसद, हमारे दीन ने बड़ी तरगीब दी है कि अगला रमज़ान जब आए उससे पीछे ख़वातीन जो हैं वो पिछले रोज़े अपने जितने कज़ा के मुकम्मल कर लें। और सहाबा इकराम में भी देखा जाए तो जो ख़वातीन सहाबियात थी वो अपनी प्रिपरेशन रमज़ान की इसी तरह करती थी। हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरे साल के जो रोज़े छुट जाते थे फ़र्ज़ रोज़े, तो जब शाबान का महीना आता तो मैं तमाम कज़ा के रोज़े रख लिया करती थी ताकि रमज़ान से पहले मैं फ़राइज से बिल्कुल अपने पिछले फ़राइज से मैं दस्तबरदार हो जाऊँ और रमज़ान का महीना फिर इंशाल्लाह बड़ी एक निशात के साथ अगले रोज़ों के लिए मैं तैयारी करूँ। तो ख़वातीन के लिए रमज़ान की तैयारी में सबसे अहम चीज़ ये है कि जो रोज़े उन पर फ़र्ज़ कज़ा बाकी हैं वो अपने रोज़े सबसे पहले रख लें। नहीं रखेंगी तो गुनाहगार होंगी, लेकिन अगले रमज़ान का रोज़ा उसका बहरहाल हो जाएगा। ये कौल दलील में ज़्यादा मजबूत है कि रमज़ान का रोज़ा हो जाएगा उसका, लेकिन हमारा एक गुनाह सर पर रहेगा। अच्छा, अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तैयारी रमज़ान से पहले ये राह करती थी कि नंबर एक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शाबान के महीने में इबादत ज़्यादा करते हैं। इसकी दो वजह थी। एक वजह तो है कि रमज़ान के महीने से पहले एक इंसान प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है कि रमज़ान में चूँकि उसने क़याम ज़्यादा करना है, नमाज़ ज़्यादा पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, तो इंसान के जो जिस्म है वो एक यूज़ टू हो जाए रोज़ा रखने के लिए भी और क़याम करने के लिए भी। और शाबान के महीने में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे। और इसे ज़्यादा रोज़े रखने की दो वजूहत हैं जो हदीस में बयान हुई हैं। एक वजह हदीस में ये बयान हुई है कि रजब के महीने में सहाबा ज़्यादा रोज़ा रखते थे, इबादतें ज़्यादा करते थे, रमज़ान में करते थे, बीच में शाबान का महीना गफलत का होता था जिसमें थोड़ी सुस्ती आ जाती थी कि चलो अब रमज़ान का महीना आ रहा है हम उसमें इबादत करेंगे। तो जिस वक्त गफलत का वक्त हो उस गफलत के वक्त में कोई अल्लाह की इबादत ज़्यादा करे, अल्लाह को एक बड़ी पसंदीदा चीज़ है। जैसे रात का वक्त गफलत का होता है, लोग सो रहे हैं, कोई तहज्जुद के टाइम उठे अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को बहुत पसंद है। इसी तरह शाबान का महीना गफलत का महीना है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग इसमें अक्सर इबादत से गाफिल होते हैं। रजब में इबादत की, रमज़ान में करेंगे, बीच के महीने में थोड़े गाफिल हो गए, तो हम इसलिए भी ज़्यादा इबादत करते हैं कि लोग गाफिल हैं। और दूसरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शाबान में रोज़ा इसलिए भी ज़्यादा रखा करते थे कि पूरे महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पूरे साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आदत हुआ करती थी मुबारक, जैसे हर पीर का रोज़ा रखना या जुमेरात का रोज़ा रखना या महीने के दरमियान के दिनों का रोज़ा रखना, और पूरे साल में इनमें से जो रोज़े छुट जाते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से किसी भी वजह से, कभी किसी गज़वे में शरीक है इस वजह से रोज़ा ना रख सके या किसी और वजह से, तो शाबान के महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उन तमाम रोज़ों की कज़ा भी कर लिया करते। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये आला सुन्नत रही थी कि नबी अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ की कज़ा तो बहुत दूर की बात है, जो चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नफली तौर पर भी किया करते थे रोज़े में या नमाज में, अगर वो भी कभी छुट जाती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसकी भी कज़ा कर लिया करते थे। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत करीमा रही है। लिहाजा ये वो चंद चीज़ें हैं जो रमज़ान आने से पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित थी या सहाबियात से साबित थी, मैंने आपको बयान की। एक चीज़ मैं आपको ज़िमनन बयान कर देता हूँ कि हर वो शख्स जिसको रमज़ान में रोज़ा रखने में मशक्क़त होती हो तो शाबान के महीने में वो नफली रोज़ा रखे इस नीयत से कि उसका जिस्म आदी हो जाए रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए, बिल्कुल करें। इसके अंदर उसके लिए कुछ रियायतें भी हैं जो मैं आपको बयान कर देता हूँ। रियायत ये है कि नफली रोज़ा जिसने रखा हो, अगर दोपहर के 2 बजे उसको भूख ज़्यादा लगी या कोई दावत आ गई, कुछ भी हो जाए, वो बिला वजह भी अगर रोज़े को इफ्तार कर दे, तोड़ दे, उस पर कोई गुनाह नहीं होता। नफली रोज़े में हमारे दीन ने रियायत दी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने अमले मुबारक से भी और अपने कौल मुबारक से भी लोगों को ये समझा दिया कि नफली रोज़े में अगर कोई जानबूझ के भी रोज़ा इफ्तार कर देगा उसमें गुनाह नहीं होगा।
मसलन सही हदीस है मुस्लिम की, अल्लाह के नबी सलाम ने एक दफ़ा रोज़ा रखा हुआ, नफली रोज़ा था। अल्लाह के नबी सलाम की ज़ौजा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ने वो कुछ हदिया लेकर आ गई, खाने की चीज़ लेकर आ गई, तो अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया हमने नफली रोज़ा तो रखा हुआ था लेकिन अब हम खा लेते हैं, तनावुल फरमा लिए। इसी तरह अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया, भी सही हदीस है मुसनद अहमद बिन हंबल की, अल्लाह के नबी सलाम फरमाते नफली रोज़ा रखने वाला अल्लाह ताला ने उसकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दिया, वो चाहे तो पूरा कर ले, वो अगर पूरा नहीं करना चाहता किसी भी वक्त इफ्तार करना चाहे वो कर ले। हाँ बेहतर यही है कि जिस रोज़े को वो इफ्तार कर लेगा बाद में उसकी जगह एक कज़ा कर ले, और ये भी वाजिबी हुक्म नहीं है। कई उलमा वाजिबी हुक्म देते हैं लेकिन दुरुस्त बात यह वाजिबी हुक्म ये नहीं है। नफली रोज़े के अंदर अल्लाह ने बड़ी रियायत दी है, लिहाजा शाबान के महीने के अंदर रमज़ान की तैयारी के लिए नफली रोज़ा कोई रखना चाहे रखे, इसमें यह भी रियायत है आपको, जब रोज़ा इफ्तार करना हो कर लें, पूरा करना चाहे पूरा कर लें। अगर पूरा करने की हिम्मत नहीं है, कहीं दावत आ गई, आपको ज़्यादा प्यास लग रही है, या कहीं मार्केट के अंदर है और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, आप इफ्तार कर दें रोज़ा, इसमें भी कोई गुनाह नहीं होगा। लिहाजा ये प्रैक्टिस के जो दिन है नफली रोज़ों के ज़ुमरे में, इसमें हमारे दीन ने रियायत और नरमी इसलिए दी ताकि एक प्रैक्टिस के अंदर इंसान रहे, उसका जिस्म यूज़ टू हो जाए, फिर आगे रमज़ान का महीना आए तो बआसानी रोज़े को सुबह से लेकर शाम तक मुकम्मल करें। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैरा।